हेलो एवरीवन, मैं ईशा वर्मा। और आप सभी लोग कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ। आपका आज स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं रैबिट्स बिहेवियर के बारे में बात करूँगी। और उसके पहले मैं आपको केन से मिलवाना चाहूँगी। देखिए इसको। हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं? कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़। इन देखिए इसको, ज़रा शैतान वाला बदमाश जो हमको काटता है और हमको चाटता भी है। देखिए ज़रा इसकी शैतानी, एकदम शांति से बैठा हुआ है ये। देखिए 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 देखिए, मेरे को चाट रहा है। वैसे मेरे को काटता है, रियली बता रही हूँ, मेरे को काटता है ये। और देखिए अभी इतना मेरे को तो देखने में थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा है, लेकिन ठीक है। तो आज के हम आप चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं। आज का मुद्दा क्या है हमारा? तो हमारा मुद्दा मेन है रैबिट्स बिहेवियर के बारे में। रैबिट्स क्या बिहेवियर, मतलब क्या बिहेव करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, कब काट रहा है तो क्या हो गया है, तो आपको चाट रहा है क्यों कर रहा है ये, तो ग्रूमिंग कर रहा है तो क्या इसका करने का मतलब है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहली बिहेवियर रैबिट्स में आती है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब कि अपने आप की सफाई करना। ये अपने आप को चाटते हैं, साफ करते हैं अपने आप को। और हाँ, अगर ये आपको प्यार से चाट रहा है, इसके चाटने का मतलब ये आपको प्यार करता है, आपको मानता है, तो ये आपको चाटेगा। और अगर आपसे ये डरा हुआ है, परेशान हो गया है, तो ये आपको काटेगा। ठीक है, तो पहला मतलब यही आता है कि ग्रूमिंग करते हैं, मतलब अपने आप की खुद सफाई करते हैं, अपने कान हाथ पैर मुंह सब साफ करते हैं। और इनको कभी भी नहलाना नहीं चाहिए, इनको कभी भी बात में मत रखिएगा। इनकी सबसे डेंजर होता है और मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है इनका कान, इनका ईयर। इनको अपने ईयर्स पे इतना ज़्यादा घमंड होता है और इतने को सेव करते हैं कि क्योंकि इनके बॉडी में सबसे ज़्यादा मेन होता है इनका ईयर। इनके ईयर्स कितने बड़े हैं आप देखिए, खुद आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं। और इसके बॉडी में कुछ भी इतना बड़ा नहीं है, इतना इसका ईयर्स है। तो मेन इनका ईयर्स में कभी पानी देना चाहिए। हाँ, गीले कपड़े से बस आप एक बार ऐसे ऐसे कर दीजिए गर्मी के समय में, या फिर आप कूलर प्रोवाइड करवाइए, एसी प्रोवाइड करिए। और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो फ़ैन 24 आवर्स आपको ऑन रखना है गर्मी के माहौल में। ठीक है, तो ग्रूमिंग में इनको मतलब ये अपने आप की खुद साफ सफाई करते हैं, तो यही इनका ग्रूमिंग का मेन होता है। अब हमारा दूसरा बिहेवियर आता है लॉफ पोजीशन, मतलब कि ये अपना मतलब दोनों पैर अंदर करके बैठ जाते हैं और एकदम एकदम ऐसा करेगा कि आपको बहुत इनको बहुत रिलैक्स मिल रहा है, बहुत खुशी वाला है, पेट वेट भरा है, तभी ऐसे बैठते हैं, वरना ये आपको नोचते रहेंगे। तो यही है इनका लॉफ पोजीशन। और लॉफ पोजीशन में ये अपने एकदम दोनों ये जो छोटे छोटे पैर हैं इनके, हेलो वाले, मैं तो इनसे हेलो हेलो बोलती हूँ, तो इनके छोटे छोटे पैर इनको अंदर लॉक पोजीशन में करके बैठ जाते हैं और फिर ये सो जाते हैं अच्छी नींद में। और वो सपने देखते हैं कि उनको गाजर बनाना मिल रहा है खाने के लिए। तो अब हमारा थर्ड बिहेवियर है सर्कलिंग। सर्कलिंग क्या होता है? सर्कलिंग में तो ये आपके गोल गोल घूमने लगेंगे, आपको मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, आपसे खुश रहेंगे। तो थर्ड बिहेवियर में तो यही है सर्कलिंग में घूमना इधर उधर, आपके आप खड़े रहेंगे तो आपके पैर के पूरे ओर ये घूमेगा और आपको बहुत बहुत ज़्यादा मानता है, आप लोग को मानेगा। फिर उसके बाद से आप इन और जो है रैबिट्स तो वैसे भी बहुत प्यारे जानवर होते हैं, तो यही है थर्ड बिहेवियर इनका। फोर्थ बिहेवियर है निपिंग। निपिंग में ये आप अपने जैसे हाथ इसके पास लाएंगे, ऐसे तो मेरे को चाट रहा है पर इसका अपना पास लाएंगे, इसका हाथ अपना, ठीक है, अपना हाथ लाएंगे तो आपको हल्का सा बाइट करेगा। वैसा बाइट नहीं, मतलब खून नहीं निकलेगा, मतलब बाइट करेगा पर उतना तेज़ बाइट नहीं करेगा। वैसे तो मेरे को चाट रहा है लेकिन रियलिटी में काटते हैं। तो देखिए निपिंग में तो यही था कि जैसे कि अगर आप इसको अपना सा हाथ ऐसे करेंगे तो ये आपको काटेगा, हल्का सा बाइट करेगा, मतलब ये चाहता है कि ये रिलैक्स करना चाह रहा है और आप इसके रास्ते में आ रहे हैं, इसलिए आप वहाँ से तुरंत हट जाइए इमिडिएटली। तो हमारा फिफ्थ बिहेवियर है जूमी। जूमी में जैसे मैं इतना खुश होकर बोली हूँ तो मतलब आप समझ ही ले होंगे जूमी का मतलब, कि जूमी में ये है
कि आपका रैबिट जो है, आपका बनी जो है, आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो के इधर उधर भागेगा, एकदम हवा में उछलने लगेगा, मतलब इतना अपने कान एकदम ट्विस्ट 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 करके एकदम भागेगा, इससे बहुत मज़ा आएगी आपको देखते, बहुत खुशी होगी आपको इसमें। तो हमारा फिफ्थ बिहेवियर तो यही था। तो हमारा सेवेंथ रैबिट बिहेवियर है पेरिस्कोपी। पेरिस्कोपी में मतलब जैसे कि पहले रैबिट अपने चार पैर पे चलते हैं, ठीक है, तो चार पैर पे अपने आप चल रहे हैं, ठीक है। फिर अगर जैसे इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो ये जो है अपने पीछे के जो इनके दो पैर होते हैं ना, उन पे खड़ा हो जाता है और फिर वो चीज़ एक्सप्लोर करता है, वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करता है कि उससे आगे क्या है। उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो वो उससे देखेगा, आगे खड़े होकर देखेगा अपने अपने दो पीछे के पैरों से। पेरिस्कोपी का मतलब यही था। तो हमारा एट्थ रैबिट बिहेवियर है नजिंग। नजिंग का मतलब होता है कि इनकी जो नाक होती है ना, ये वाली नाक जो है ना इनकी, इससे ये आपको आपके हाथ पे मारेगा या कहीं पे भी मारेगा तो ये कहेगा, ये कहना चाह रहा है कि आप इसको मतलब ऐसे इसने किया, ठीक है, और फिर उसके बाद से आप ये कहना चाह रहा है कि आप इसको सहलाओ, सर पे ऐसे सहलाएं। तो इसको ऐसे करने में बहुत मज़ा आती है। तो ये ऐसे करने पे ये अपने दांत घिसता है, जिसके आगे के दो दांत होते हैं छोटे छोटे, इसको घिसेगा, फिर उसके बाद से इसको अच्छा लगेगा और ये सो जाएगा तुरंत। तो अब हमारा नाइन्थ रैबिट बिहेवियर है फ्लॉप। फ्लॉप का मतलब होता है कि आपका रैबिट, मेनली रैबिट्स ऐसा ही करते हैं कि ये एकदम रिलैक्स पोजीशन में एकदम सो जाते हैं और इसको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और ये रिलैक्स अच्छे अच्छे ड्रीम्स ले रहा है, तभी ये ऐसे सोएगा, वरना ये वैसे अंडा बन के जैसे होता है ना बैठ जाता है। तो और जब ये लेटा रहेगा तो ये अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छे अच्छे ड्रीम्स ले रहा है, रिलैक्स है, खुश है, इसका मतलब फ्लॉप होता है। तो अब हमारा टेंथ रैबिट बिहेवियर है पिंकी। पिंकी मतलब कि एक्सट्रीमली हैप्पी मोड। इनका एक्सट्रीमली हैप्पी मोड चालू हो जाता है और देखिए ये एकदम अभी भागने के चक्कर में है, भागने की कोशिश कर रहा है मेरे से, थोड़ी देर रुक जाओ ना अंडरटेकर यार, क्या कर रहे हो, रुक जाओ। तो देखिए अभी ये, अभी पिंकी का मतलब तो यही है कि एक्सट्रीमली हैप्पी मोड में है, ठीक है। और आपका मतलब ये जैसे आप कहीं भी इसको बैठाए हुए, इतना ज़्यादा घूमेगा, इतना ज़्यादा उछल उछल के खेलेगा, अपने कान हिलाएगा और कान हिला हिला के भागेगा। तो देखिए देखिए, अरे 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 अंडरटेकर, अरे अंडरटेकर क्या कर रहे हो, अरे 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 अरे। अच्छा अब मैं नए और दूसरे ब्लॉग्स में दूसरा बिहेवियर डालूँगी, रैबिट बिहेवियर डालूँगी। तब तक के लिए अब बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको ज़रूर करना है, प्लीज़ 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 कर दीजिएगा। और चलिए तब तक के लिए बाय 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 बाय।